वेलकम टू अचीवन वैद यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है कि हमने फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का कर लिया था, अब हम सेकंड पार्ट जो है करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नबूब। जो कंपनी ऑफिशियल्स आए थे वो नबूब्स कहलाने लग पड़े। कैसे कहलाने पड़े वो ही पढ़ने वाले हैं। तो बैटल ऑफ प्लासे जो है उससे कंपनी को बहुत सारा पावर और अथॉरिटी मिल गई थी और वो अपने आप को नवाब्स कहने लग पड़े थे, समझने लग पड़े थे। तो उनके पास बहुत ज़्यादा किस्मत थी। तो रॉबर्ट क्लाइव के पास बहुत सारा फॉर्च्यून आ चुका था, तो उसने ये क्रॉस कर दिया 1772 में बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो क्या हुआ था देखते हैं। हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ। क्लाइव जो है अपने आप को किस नज़रिए से देखता है वो हम देख लेते हैं। तो उसने पार्लियामेंट में कहा था कि किसी एक को तो खड़ा होना पड़ेगा अचंभे में डालने के लिए, वो भी मेरी संयम के लिए, सन्मय के लिए। तो उसने जो है अपनी सुसाइड कर ली थी 1774 में। तो बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स वापस इंग्लैंड में चले गए और बहुत सारा ग्रेट फॉर्च्यून लेकर, तो जिससे उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीने को मिली। तो वे नवाब तो नहीं कहला पाए पर उनको नबूब्स ज़रूर कहलाए गए। तो आगे बढ़ते हैं। कंपनी रूल एक्सपैंड्स। अब कंपनी जो रूल था वो बढ़ने लग पड़ा था। द एनालिसिस ऑफ द पीरियड बिटवीन 1757 टू 1857। तो ये बात है 1757 के से लेकर 1857 से लेकर, मींस 100 साल लगभग। तो कंपनी जो है रेयरली, मींस बहुत ज़्यादा डायरेक्ट को जो है अटैक करती जा रही थी। तो उन्होंने सारे जो है मेथड्स जो है अडेप्ट कर लिए थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड, जिससे उनकी टेरिटरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और मीर जाफर जो है हार गए थे बुक्सर में, जो थे बुक्सर वाले अटैक में इन 1764। और कंपनी ने जो है रेजिडेंट्स कर दिए थे। तो रेजिडेंट कौन थे? रेजिडेंट जो है जो देखभाल करते थे कंपनी इंटरेस्ट को। तो इस कंपनी समटाइम्स फोर्स सब्सिडरी अलायंस। तो कंपनी बहुत बार जो है सब्सिडरीज अलायंस जो है कर रही थी। इस अलायंस में क्या होता है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस कोई भी रूलर जो है फोर्स किया जा सकता है बहुत सारा सम, बहुत ज़्यादा मात्रा में मीन्स पैसा देने के लिए ब्रिटिश आर्मी को, ताकि इनके बीच में जो है मेंटेन बने रहे। तो इसका नाम है सब्सिडरी अलायंस, मीन्स ऐसा नाता जिसमें किसी रूलर को जो है फोर्स किया जाए बहुत सारा पैसा देने के लिए ब्रिटिश आर्मी को। अगर रूलर फेल हो गया अपनी टेरिटरी को जोड़ने के लिए तो वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी कंपनी की जो हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट पावर डिड द रेजिडेंट हैव। रेजिडेंट के पास, जैसे हमने पिछले बार पढ़ा कि रेजिडेंट क्या होते हैं, रेजिडेंट के पास कौन सी पावर होती है। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, तो जेम्स मिल के द्वारा उन्होंने ये कहा कि रेजिडेंट इज अ किंग ऑफ अ कंट्री। रेजिडेंट एक राजा होता है कंट्री का, जेम्स मिल का ये कहना था। तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था रूलर को ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की लाइकिंग के लिए। अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को लाइक नहीं करते थे, उनका जो एटीट्यूड था वो चेंज होता जा रहा था। इफ द रूलर टेक्स अ कोर्स विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अगर रूलर कुछ करता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको नहीं एक्सेप्ट करती तो क्या होगा। दिस रिजल्ट इन क्लैशिंग डिस्टर्बेंस बिटवीन द ब्रिटिश सोल्जर्स एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो इसमें जो है ब्रिटिश सोल्जर्स और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। डिस्टर्बेंस क्रिएट के मतलब कहने का मतलब ये है कि लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। साइड पे आप पिक्चर देख सकते हैं जेम्स मिल की। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, टिप्पू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। जो कंपनी थी वो डायरेक्टरी जो है
मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, जो मिलिट्री के साथ जो मुकाबला करने वाले थे, जो उनको बहुत मुश्किलें आ रही थी पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंपनी को जो है मैसूर सुल्तान के साथ जो है लड़ना पड़ा। टीपू सुल्तान जो है अब जो पोर्ट्स थे, जो बंदरगाह थे, इनको एक्सपोर्ट कर इस यहाँ से एक्सपोर्ट करना डिसअलो करने लग पड़े थे ट्रेडिंग के लिए। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत गुस्से में आ गए, बिकॉज टीपू जो है पहले से ही फ्रेंच के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप था उनके उसके साथ। तो सुल्तान थे मैसूर के, वो फाइनली जो है हार गए थे बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, जो 1799 में हार गए थे टीपू सुल्तान। तो उसने जो सबसे अलायंस, तो यहाँ पर जो है सब्जरी अलायंस को जो है अप्लाई किया गया, लागू किया गया, और जिसके चलते ही जो पहले वाले राजा थे वो जियार्स, वो फिर से जो है राजा बन गए। आगे बढ़ते हैं, द लेजेंड ऑफ टीपू। टीपू के बारे में थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जो टीपू थे वो रूलर बने थे मैसूर में 1782, और ये कहा जाता है कि वो हंटिंग के लिए एक बार एक सिंगल टाइगर से लड़ने गए थे, लड़े थे, और आफ्टर दिस वो जिसके कारण ही उनको उनका नाम पड़ गया द टाइगर ऑफ मैसूर। ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑफ हिज फ्लैग, जो उनका फ्लैग थे, जो उनका जो झंडा था उसके ऊपर भी जो है टाइगर की इमेज बनी हुई थी। जो मैकेनिकल टॉय आप साइड पे देख पा रहे होंगे ये इमेज, ठीक है, ये डिपिक्ट करता है कि टाइगर जो है मॉलिंग यूरोपियन टाइगर जो है यूरोपियन सोल्जर के ऊपर बारी पड़ गया, पर टीपू सुल्तान टाइगर से भी लड़े हैं। और ये जो टॉय टाइगर है इज नाउ कैप्ट इन द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। ये जो टॉय है, ये जो टॉय टाइगर है यूरोपियन सोल्जर के ऊपर बैठा हुआ, ये वाला विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम जो लंदन में है वहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पिक्चर में टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर की पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं, वॉर विद द मराठास। अब मराठास के बारे में भी आप बहुत कुछ जानते होंगे, मराठास के साथ वॉर कैसे हुई ब्रिटिशर्स की वो भी हम सारा देख पा रहे हैं। अब टर्न थी मराठास की, ठीक है, और 8th century में ब्रिटिशर्स ने जो है मराठा पावर को तोड़ दिया था। मराठास का ड्रीम था कि वो दिल्ली में जो है रूलिंग करे, पर वो हार गए थे, चूर चूर हो गए थे 3rd battle of Panipat। तीसरी पानीपत में जो युद्ध हुआ था उसमें हार गए थे। उनका ये ड्रीम था दिल्ली में रूल करने का, और ये वो हारे थे 1761 में। जो मराठास थे वो पेशवाज ऑफ पूंड के अंडर थे, और मराठा पावर जो है वो गड़तीगी और ट्रेटी ऑफ सलबाई के साथ, और सेकंड एल्गो मराठा वाज गेव ओडिशा एंड आगरा टू द कंपनी। ओडिशा और आगरा के बीच में जो थे इसमें थे। इन द 3rd एल्गो मराठा वाज द मराठा पावर वाज क्रश्ड एंड द पेशवा वाज सेंट टू द बिदपुर नियर कानपुर, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि क्रश्ड हो गए थे, हार गए थे, उनको जो है बिथुर में भेज दिया गया जो कानपुर के करीब है। जो टेरिटरीज हैं साउथ में, विंध्यास केम अंडर द ब्रिटिश पावर। जो विंध्यास थे वो भी पेशवा हैं, वो भी ब्रिटिश पावर के अंडर आ चुके थे। आगे बढ़ते हैं, द क्लेम टू पारामाउंटेसी। क्लेम मीन्स दावा क्या है, पारामाउंटेसी का वो है इसमें। तो अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कंपनी है, बहुत अग्रेसिव पॉलिसी, बहुत गुस्से वाली पॉलिसी जो है उन्होंने लॉन्च की थी 9th century में। तो ये पॉलिसी का नाम था पारामाउंटेसी जो कि लॉन्च हुई थी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो ये दावा करते थे कि इंडियन रूलर्स या इंडियन स्टेट उससे ज़्यादा उनकी जो है अथॉरिटी है, पावर है। तो ये जो दावा था वो चैलेंज हुआ छोटी सी स्टेट में जिसका नाम है कितूर अंडर
रानी चन्नम्मा। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो थोड़ी सी अटेंशन दे रहे थे नॉर्थ वेस्ट की ओर, रशिया को, ताकि वो एशिया में ना बढ़ सके। तो अफगानिस्तान जो है वो भी ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया इन 1842। अब पंजाब जो है वो ब्रिटिश रूल में आया इन 1843 पंजाब। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की पिक्चर और महाराजा रणजीत सिंह होल्डिंग कोर्ट जो पंजाब में है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ मैप्स दिखाने वाला हूँ, तो उस मैप को ध्यान से देखना कि कैसे छोटे से पार्ट से लेकर पूरी कितने बड़े पार्ट तक ब्रिटिशर्स ने अपना हक जमा लिया था। ये देखिए सारी पिक्चर्स कैसे बड़ा बड़ा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारा टॉपिक द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डेलहौजी, उन्होंने एक पॉलिसी का नाम बनाया था जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कभी इंडियन रूलर में अगर उनका मेल की बच्चा मेल अग्र नहीं होता है तो वो उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग वो टेरिटरी छीन ली जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे किंगडम थे जो इस एप्लीकेशन से जुड़े हुए थे, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। मैं आपको एक झांसी की एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपको पता ही होगा झांसी की रानी, उसमें उनका भी जो है खुद का मेल किड नहीं था, वो गोद लिया गया था। इसीलिए झांसी की रानी के साथ जो है युद्ध हो रहे थे, बिकॉज वो उनका खुद का बच्चा नहीं था, इसीलिए जो है युद्ध हो रहे थे उस जो टेरिटरी को लेने के लिए, बिकॉज वो भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी उसके अंडर थी, तो इसलिए युद्ध हो रहे थे। और 1856 में अवाद को जोड़ दिया गया, ताकि वो 1857 में जुड़ जाए। आगे बढ़ते हैं सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सेटिंग करना पड़ेगा वॉरेन हेस्टिंग्स जो है अंडर, वो ब्रिटिश टेरिटरीज को ब्रॉडली डिवाइडेड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जिसको प्रेजिडेंसेस कहते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं थ्री प्रेजिडेंसेस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ये थ्री प्रेजिडेंसेस थी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। उन्होंने बहुत सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जुडिशरी के लिए। और 1772 में अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टैब्लिश। अब क्रिमिनल कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स जो है बना दिए गए थे। और 1775 में हिंदू पंडित्स को ये जो है अपने हिंदू लॉस को जो है यहाँ पर कराने के लिए शुरू किया गया। और 1778 में मुस्लिम लॉस को भी कंपाइल किया गया, मतलब ये संग्रह जो है तैयार किया गया, कह लो या बुक्स तैयार की गई उनके लिए, हिंदूज एंड मुस्लिम की अलग अलग ईयर्स में। तो एक न्यू कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है एस्टैब्लिश किया गया अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट वॉज नोन एज कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड था उसको कलेक्टर कहा गया। आगे बढ़ते हैं द कंपनी आर्मी, मुगल आर्मी जो जैसे सवार्स और पैदल्स, सवार्स जो घोड़े के ऊपर जो सेना होती है उसको सवार कहते हैं, पैदल्स चलती हुई सेना को कहते हैं पैदल्स, तो वो वाले मुगल आर्मी में ये सब होते थे। और अवध और बनारस, ये इस तरह की स्टेट्स को जो है पीसेंट्स आर्मी में चेंज कर दिया गया। तो जैसे मैंने बताया कि अवध और बनारस में नई भर्ती जो आर्मी की गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब नई भर्ती सेना को जो है कहती थी सिपोई आर्मी, ठीक है, सोल्जर्स को ही कहते हैं सिपोई आर्मी, ठीक है, जो नई भर्ती
सेना थी उसको स्पोय आर्मी कहना शुरू कर दिया गया। और 1820 में कंपनीज आर्मी को इन्फेंट्री रिजिमेंट बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और अब जो सोल्जर्स थे वर ट्रेंड, बहुत ज़्यादा ट्रेंड किए गए, वो भी यूरोपियन स्टाइल में। मैं कंक्लूजन में इंग्लिश में पढ़ने जा रहा हूँ। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ कॉलोनियल पावर इन इंडिया। द न्यू टेक्नोलॉजी हेल्प द ब्रिटिशर्स टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन इंडिया बाय 1857 टू 63% ऑफ द इंडियन बाय 1857 63% ऑफ इंडियन टेरिटरी, ठीक है, ब्रिटिश रूल में 1857 में 63% इंडियन टेरिटरी जो है ब्रिटिश रूल ले रही थी। रिमेनिंग एरिया वॉज अंडर इनडायरेक्ट रूल ऑफ कंपनी, रिमेनिंग एरिया वॉज अंडर इनडायरेक्ट रूल ऑफ द कंपनी। द ईस्ट इंडिया कंपनी वर्चुअली हैड होल ऑफ इंडिया अंडर इट कंट्रोल बाय 1857। तो गुलामों का व्यापार जो था साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया, वो शुरू हुआ 7th century में अफ्रीका में। और गुलामों को मीन्स नौकरों को जो है नौकरों की मार्केट ऑफ जो अफ्रीका में है उसमें जो है बेचा शुरू कर दिया गया। तो अबाउट 36,774 जो है गुलाम थे वो खरीद लिए गए और जो है गुलामी ख़त्म की गई। तो विजिटर्स ने गुलामी बंद करने के लिए ये सब, तो आप ये बड़ी पिक्चर देख सकते हैं स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। तो आप ये देख सकते हैं कैसे गुलामों को लेकर जा रहे हैं। तो सारे पार्ट्स यहीं ख़त्म हो चुके हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक कीजिए तो आपको सारी वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे और आप सारी वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू। बाय बाय। सी यू लेटर विद अनदर वीडियो।